Assalamualaikum guys, this is Liv. Welcome back to my YouTube channel parkrotrapji.com. और भाई जान क्या हाल चाल, सब फर्स्ट क्लास, सब बेहतरीन। लोंडे की एक्साइटमेंट देख के आपको लग ही रहा होगा लोंडा लाहौर में नहीं है, इसलिए भाई जान जी मैं लाहौर में नहीं हूँ। आज 23 अगस्त 2020 है और हमारे टूर का दूसरा दिन है और सुबह के 7 बज चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो भाई जान अभी का सीन है कि आज टूर का हमारा दूसरा दिन है। कल हम सुबह 6 बजे लाहौर से निकले थे अपनी बाइक्स पर, सुजुकी पर। अगर आपने मेरी अपडेट वाली वीडियो नहीं देखी, आप जाकर अभी देख लिए, आपको सब वीडियो जगह हम कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अगर नहीं देखी तो भाई कोई दिक्कत नहीं, देखनी है देख लो जाके, नहीं देखी हम तो यहीं पे आपको बताने के लिए। कल हम सुबह 6 बजे निकले थे लाहौर से, रात को 7 बजे तकरीबन हम एबटाबाद पहुँचे थे। हम अपनी बाइक्स पर ही आए हैं और आगे का प्लान हम आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। पहले लोंडा नहा तो ले भाई जान, ठीक है। तो भाई जान वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं हम आज के प्लान के। आज का हमारा प्लान कुछ यूँ है, आज हम सिर्फ एबटाबाद से थोड़ा सा सफ़र करने वाले हैं, तकरीबन 35 किलोमीटर, और हम जाने वाले हैं ठंडियानी टॉप। बेसिक हमारा रीज़न ठंडियानी टॉप जाने का नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे पहले ही काफ़ी मरतबा जा चुके हैं। हमारा मेन रीज़न आप देख सकते हैं, जैसे कि ये ठंडियानी टॉप के साथ ही थोड़ा सा पहले अगर आप एक टर्न लेंगे, वहाँ पे आता है बर्मी गली के नाम का से टर्न है, ये आता है आस्थाना आलिया, ये आप देख सकते हैं, ये आस्थाना आलिया। यहाँ पर एक हर साल उर्स काफ़ी बड़ी तादाद में उर्स मुबारक होता है, जहाँ पर हम चाह रहे हैं कि आज इस मरतबा इस ट्रप पर यहाँ पर भी एक राउंड लगा लिया जाए। हम चाह रहे हैं सफ़र पर जाने से पहले बुज़ुर्गों की दुआएँ ले लें, और ऊपर तो जा ही रहे हैं तो उसके साथ साथ मौका पर चौका लगाते हुए हम ठंडियानी टॉप भी घूमाएंगे। ठीक है, आज का हमारा प्लान कुछ यूँ है। और गूगल के मैप के थ्रू मैं आपको बता दूँ, या एबटाबाद से ये तकरीबन 35 किलोमीटर का सफ़र है और 1 घंटा 33 मिनट हमें लगेंगे, और इतना टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये सारी भाईजन चढ़ाई है। ठीक है, ज़िगज़ैग रोड है और चढ़ाई है, तकरीबन ठंडियानी 10,800 फुट की बुलंदी से ज़मीन से, इसलिए इतना टाइम लगेगा। अब बाकी आप अपना अब वीडियो इंजॉय कीजिए। तो भाई जान मौसम की सूरत हाल देखते हुए हमने नहाना अपना कैंसिल कर दिया था, इसीलिए हम नहाया बगैर बस मुँह अच्छी तरह धो के साबुन के साथ नीचे आ चुके हैं। तैयार है, मुकम्मल रेडी हैं। वो सामान आप मैं देख रहे होंगे मेरे पीछे, वो बाइकों पर माउंट हो रहा है। बस ये मैंने गोप्रो जो है अपना, वो अपने मैंने हेलमेट में माउंट करना है, बाकी वी आर रेडी टू गो। दो भाई जान हमारा सफर स्टार्ट होने लगा है, अब बस निकल लेगा, पूरा रेडी हम। बिस्मिल्लाह चलो जी, बैठो सा टाइम क्या था भैया? तकरीबन मेरा ख्याल 8 बज चुके हैं, कंफर्म नहीं है। और अभी हम निकले हैं ठंडियानी के लिए, ग्लव्स भी लेने आ रहे हैं, मेरे कल के ग्लव्स आ रही है, मेरे ग्लव्स गुम गए, ग्लव्स रुमाल लेना हमने। अल्लाह अब हम ठंडियानी की तरफ जा रहे हैं अभी, और यहाँ से हमने लेना है कुछ, ये मशहूर दुकान है राशिद आटो, यहाँ से हमने इंजन ऑयल लेना है। हाँ ले लिया, ओके भाई जान। उमान साहब का इंजन ऑयल भी चेंज हो चुका है अभी, उमान साहब का इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो गया। हमारा ये बैग का मसला भी हल हो गया, जो कि मुझे डालना पड़ता था। अभी हमने बेल्टे भी ली है नहीं, रबर बैंड वाले। अभी बस हमें रुमाल और ग्लव्स लेने हैं, हमें नए बोले इंजन ऑयल चेंज। अब हम आगे जा रहे हैं ठंडियानी की तरफ, बस रास्ते में हमने नाश्ता करना है। चलो जी शाह साहब, अच्छा जी राइट साइड पे जाना है। औसबिल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल क्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अस्समावातु वमा फिल अर्ज़ मन ज़ा लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, लम बैना अलैहिम मा खल्फ़हुम वला यज़िदूना शय्अन इल्ला मा शाअ वसिअ कुर्सियुहु वल्लाहु अला कुल्लि शय्इन क़दीर। आहो हाँ जनाब, ये वो रोड है जहाँ पे हमें तकरीबन मेरा ख्याल है 10 से 12 साल यहीं पे खज्जल ख्वारी की हमने फुल टाइम, बचपन से आ रहे थे
इन्हीं घरों में ऊपर वो आप देख रहे हैं घरों में हम घर था कोई इनमें से एक मतलब घर था हमारे पीर साहब कह सकते हैं रिलेटिव कह सकते हैं कुछ भी आप कह सकते हैं। मेरी आपने अगर ठंडियानी वाली सीरीज देखी आपको आइडिया होगा। अभी का बस मेन सीन है हमने नाश्ता करना है और ऊपर ठंडियानी की तरफ निकलना है। वैसे हम ठंडियानी की तरफ ही जा रहे हैं और जो भी हमने अभी पहले बातें की हैं वो सब इग्नोर की जाए वो किसी खाते में ना लग जाए। ओके भाई जान अभी नाश्ता टाइम खाना खाने लगे हैं। ये मान साहब अपने सिनेमैटिक लेते हुए यार ना ये अंडे हम खा रहे हैं पराठा भाई जान साथ में अंडे और ये चने भी आएंगे चने और चाय आएंगे यहाँ पे फुल देसी ढाबा है आप देख लें। Inflated egg brains, figured it out. And suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. And तो अभी भाई जान नाश्ता वगैरह हमने कर लिया अभी सिर्फ हमारे अच्छा जी लो साहब सब बैस तो लीजिए वी दी स्पीड है अच्छा जी उतरो दी गल ऑफ है अच्छा वो सब ने नाश अच्छा हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया। अभी हमारा सिर्फ जो काम है मेन एक रुमाल लेना है मुंह कवर करने के लिए ग्लव्स लेने हैं और अगर हो सका तो रेनकोट लेना है ठीक है। काम करता अपने यहाँ से हिरन मीनार से कहना नहीं कहते मैं ऐसी छोड़ रहा हूँ यहाँ से आपने लेफ्ट लेना। ये हम हो गए जी ठंडियानी रोड पर हमारे पीछे साजी साहब बैठे हैं चुपचाप क्योंकि उनको रुमाल नहीं मिला वो इसी गुस्से में बैठे हैं कि उनकी फेस ब्यूटी खराब हो रही है। Everything I ever thought I was made me cry like and I'm really glad I don't take part ye photography ho rahi hai jab le jiye ab hum kala pani pahunch chuke hain से कहते हैं ये मतलब ठंडियानी से पहले एक लास्ट पॉइंट है छोटा सा काला पानी लीजिए साज साहब यहाँ पे यहाँ से हमने कुछ ऐसे ऐसे जनाब यहाँ पे लगाएंगे सर। भाई जान अभी का सीन है अभी टाइम हुआ 11:30 और हम इस वक्त हैं काला पानी है ठंडियानी से पहले एक पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट है इसके बाद सिर्फ ठंडियानी है उसे कहते हैं काला पानी। ये कुछ आप इसके सीन है मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये साजी साहब हैं हमारे ये जनाब काला पानी है सारा ये सारा जंगल है जनाब और ये नीचे दरिया है वो देखें इस तरफ भी दरिया है और उस तरफ भी दरिया ये काला पानी का इसे बाजार कहते हैं मतलब इस साइड का ये मतलब ठंडे आने वाली साइड का सबसे बड़ा दरिया है। ये दुकानें हैं शॉप्स हैं ये हमारा गैंग है और वो रहे बाकी ये बाजार है ये होटल हैं ये मस्जिद है ये छोटा सा ही बाजार है कालापन इतना बड़ा नहीं है बस यही कुछ है वो दरिया वहाँ पे फैमिली है मैं इसलिए आपको दिखा देता हूँ बाकी यही कुछ है इंशाल्लाह फिर मैं हम निकलते हैं यहाँ से वॉशरूम करना था कर लिया अब निकलते हैं यहाँ से। I'm really glad I'm
thought I was made me cry. ये देखें जी नाज़रीन, ये रोड चेक करें आप माशाल्लाह से। ये देखिए, ये जन्नत है, इधर जन्नत है। इसे कहते हैं ना अलाहाबाद में, दुनिया में भी जन्नत है, और ये जन्नत का टुकड़ा पाकिस्तान में ही है। ये देखें नाज़रीन, ये अभी अभी जो चल रहा है महीना, वो अगस्त का महीना है, ठीक है जी। और इधर भी ना बहुत सर्दी है, अभी इधर बहुत सर्दी है, तो सर्दियों में इधर क्या हाल होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये देखें जी नाज़रीन, ये गाड़ियाँ भी लोगों की रुक गई हैं, इतनी इधर सर्दी होती है, गाड़ी हीट अप हो जाती है। तो कोशिश करें अगर आप गाड़ी में आएँ या मोटरसाइकिल में आएँ तो छोटे गियर इस्तेमाल करें। छोटे गियर से आपके फ़ायदा ये होगा कि गाड़ी आपकी तंग नहीं करेगी, ईजी ऊपर चलती जाएगी। ये जो है, ये सामने रोड जो है ये ठंडियानी की तरफ जाता है, और ये दूसरा रोड जो है ये बर्मी गली को हमने मोड़ना है, ठीक है। बर्मी गली को मोड़ना है तो आगे हमने आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे इंशाल्लाह शाम को 5 बजे। और ये देखें हमारी पूरी टीम, ये देखें जी, ये अबू हुरैरा शुएब, ये है जी, ये उमान साहब है शुएब। तो चलें जी, इनका कहना है जी हम आगे गुजरते हैं। ये देखें जी, ये हमारी पूरी टीम है जी, ये माशाल्लाह से इस दफ़ा हम 8 लोग आए हैं। टूवर्ड पे 4 मोटरसाइकिल हैं, सुजुकी 150। ये देखें जी, ये पूरी टीम हमारी, ये देखें जी, ये अब हम जा रहे हैं बर्मी गली की तरफ, ताकि क्योंकि उधर है हमारे जो गिरो मोर्चद हैं उनका उर्से मुबारक है, उधर दुआ में शामिल होंगे। तो आज की रात हम इधर ही ठहरेंगे इस जंगल में, ये देखें जी ये सारा जंगल है, आज की रात इधर ही रुकना पड़ेगा हमें जंगल में। देखें रात को क्या बनता है, किसका शिकार करेंगे हम, अभी कुछ पता नहीं है, खाना क्या है पता नहीं। जो हमारे जो हैं ये जो है पेज के जो ऑनर हैं अली ज़िक्रिया साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी, उन्हें हमें थोड़ी सी मेज़बानी करने के लिए मौका दिया है, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये देखें जी आप, ये मौसम चेक करें जी, कभी धूप है, ये कभी बादल आ जाते हैं, ये भी एक अलावा की कुदरत है, सुभान अल्लाह। वो देखें सामने, देखें जी आप, ये देखें बादलों में हम बस कुछ ही दूर हैं बादलों से, तो उम्मीद बहुत है हम बादलों में ही छुप जाएंगे, फिर आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। ये देखें अब, ये अब हम नीचे को जा रहे हैं, यही रोड आगे जाता है मुजफ्फराबाद की तरफ, ये शॉर्टकट रोड है, अगर आप ठंडियानी आएँ तो आगे मुजफ्फराबाद जाना हो तो आप ये रोड ले लें। आप इधर से आप मुजफ्फराबाद भी जा सकते हैं, गली हबीबुल्ला भी, और अगर ननान की तरफ जाना है तो मनसेरे से कुछ किलोमीटर आगे आप ये रोड बाई निकलता है, उधर से आप बालाकोट, और बालाकोट से नरान की तरफ। ये देखें जी, ये गाड़ियाँ सारी लगी हुई हैं, ये सारे ऊपर ही आए हुए हैं दुआ में शामिल होने के लिए। ये देखें जी, ये राशि देखें जी माशाल्लाह से, ये राशि देखें जी, ये सारा राशि ये गाड़ियों का ये उधर ही है। ये हमारे पीरो मुर्शिद, ये देखें जी आस्ताना आलिया मुजद्दिदिया, नक्शबंदी मुजद्दिदिया, उत्ते ही जावांगे, नहीं उत्ते ही चल रहे हैं। ये देखें जी हम ऊपर जा रहे हैं। तो भाई जान अभी का सीन, अभी टाइम हो चुका है 12:30 तकरीबन हो चुके हैं, और हम ऊपर मतलब ठंडियानी टॉप पे निकले, हम बर्मी गली के। अगर किसी को नहीं पता बर्मी गली के बारे में तो मेरी पुरानी प्ले स्टेज आई बटन में उसमें मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने दी है। हम पहुँच गए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी महफिल चल रही है, हमने भी अभी हम इसी के लिए मेन यहाँ पे आए, नहीं तो हमने आगे स्कर्दू वगैरह जाना था, हम इसी के लिए मेन ये आए हैं। ये साजिद साहब हैं जी, हाँ जी, ये देखो ये मेरा बेट, ये मेरा भतीजा, ये देखो हमजा, हमजा है कोलो,
पहले हाय करो, हाय करो, हाय सलाम करो, व्यापारी भी कर दो, ऐसे कर दो। और वो मेरी भतीजी, हाँ जी वो हमारी बाइक वो खड़ी है बेटा, वो जाओ वो खड़ी है, जाओ अनुराधा दिखा, ये देखो दुहा पारी कर दो, ऐसे कर दो, हेलो बोलो चाचू को, ये दुहा पारी कर दो। अच्छा आपने मेहंदी कहाँ लगाई है? मेहंदी कहाँ, मेहंदी दिखाओ, किसने लगाई? ये मेहंदी है जनाब मेरे, दूसरे हाथ में भी लगाई, किसने लगाई है? भाई जान बाकी सब अभी यही है, ये हुडायरा साहब है, पिक्चर्स की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा सुपरस्टार के साथ सेलिब्रिटी के साथ आए ना, ये ले सेलिब्रिटी है हम जी, क्या दूं मैं, देता हूं आपको, दे कैमरा ये, ये मेरे भतीजे ने लेता, हमजा मजा आ रहा है यहाँ पे, कितना मजा आ रहा है, पांच मजा आ रहा है, पांच कितना होता है, फाइव मजा आ रहा है। चले जनाब अभी ठीक है, अभी मैं हम बैग वगैरह अनलोड कर लें, नीचे सामान वगैरह अनलोड करके नीचे रखें, फिर आपको इंशाल्लाह मिलते हैं, अब आपको महफिल पे भी लेके चलते हैं, महफिल वगैरह भी दिखाते हैं, जो मेन पर्पस के लिए हम यहाँ पे आए हैं, इतना लंबा चक्कर काट के इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको। वो हादी पापा भी आए हैं आपके, चलो ठीक है, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय करो, पारी भी कर दो सबको, मुझे नहीं उधर पारी करो,